ये पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा का पीपर पिपरा से तटबंध है। यहाँ बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। यूपी के अम्बा खास तटबंध पर तेजी से गंडक नदी का कटाव हो रहा है, जिससे गंडक नदी और उसके ऊपर बने बांध के बीच मात्र 3 फुट की दूरी ही बची है। इस तटबंध के टूटने से इलाके में जल प्रलय आ सकता है। आपको बता दें कि बिहार के सीमावर्ती यूपी के कुशीनगर बाढ़ खंड की ओर से कटाव निरोधी काम किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी कटाव थम नहीं रहा है। यूपी के तमाम अधिकारी जल संसाधन विभाग के साथ मौके पर बांध को बचाने में जुटे हुए हैं। दरअसल गंडक नदी पर बना ये बांध यूपी के कुशीनगर समेत बिहार के पश्चिम चंपारण जिले को सीधे जोड़ता है और इस बांध के कट जाने के बाद यूपी के साथ ही बगहा का ठकराहा प्रखंड सीधे तौर पर बाढ़ की चपेट में आ जाएगा, जिससे काफी जान माल की क्षति हो सकती है। इस बीच बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने भी बेतिया के पास यूपी के इलाके का बांध टूटने की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि नदी के बांध से रिसाव शुरू हो गया है और कई जगहों पर पानी बांध के ऊपर से भी बहने लगा है। क्या स्थिति है बाढ़ की? एक जगह बेतिया के पास है और हमारा बांध है, बिहार सरकार का सिंचाई विभाग है, और उसके बाद यूपी का है 10 किलोमीटर और फिर हमारा है। तो जब भी जानकारी मिली है कि हम लोगों का तो ठीक है, लेकिन यूपी वाला साइड में पानी ओवरटॉप करने की स्थिति में है, टूटने का भी खतरा है। हमारे इंजीनियर्स ने, उनके लोग भी नहीं है पूरे वहाँ पर, हमारे इंजीनियर्स ने ऑफ़र किया है कि भाई हम लोग पहले भी ऑफ़र किया था तो कोई बोल्डर चाहिए, कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, हम लोग करेंगे। उस समय तो लोग कुछ लिए नहीं और अभी भी हम लोग बोले हैं कि ऑफ़र कीजिए कि हम लोग को इंजीनियर भेजना हो, मजदूर भेजना हो, कोई टेक्निकल सपोर्ट हो, कोई मटेरियल चाहिए या हम ही लोगों को दे दें, हम ही लोग ठीक कर देते हैं, ये वायरलेस हम लोगों ने कर दिया है। और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ उनके मंत्री जी से बात करने के लिए, या उनके जो और लोग हैं, बात नहीं हो पाई है यूपी के जो मंत्री जी हैं, लेकिन जो जल संसाधन विभाग से उनको मैसेज किया गया है, फ़ोन किया गया है, वर्डलेस किया गया है कि आपको जो भी सपोर्ट चाहिए वो टूटे। रिसाव वगैरह, हाँ रिसाव थोड़ा हो रहा है और पानी ओवरटॉप करने की स्थिति में, और पूरा काम भी ठीक से नहीं किया। और भी कुछ इलाकों में नहीं, और जगह से तो आपको ऐसा कोई, क्योंकि आगे 2 दिन कल शाम में भी मुख्यमंत्री जी रिव्यू किए थे, जब ये फोरकास्ट आया कि बहुत हेवी रेन की पॉसिबिलिटी है, जो है जिस हिसाब से बारिश हो रही है, तो पूरा वॉच और अलर्ट में है डिपार्टमेंट और सरकार। और आसाम में भी फिर दोबारा मुख्यमंत्री जी रिव्यू करेंगे सारी स्थिति का, जो अगले 2 दिन में बारिश होने वाली है और कुछ जगह हेवी बारिश होने वाली है, तो उसमें जो भी परिस्थिति होगी, थोड़ा तो विषय है ही, जब तक जो हेवी रेन और नेपाल के कैचमेंट एरिया में काठमांडू में काफ़ी बारिश होने की संभावना 29th को है जो प्रेडिक्शन है, तो उसके कमला या बागमती का अधवारा में वहाँ ज़्यादा समस्या है। और ये जो मैं बताया गंडक का बता रहा हूँ, जो बेतिया में ही प्रॉब्लम आ रहा है।